सीमा हैदर को लेकर हर एक खबर आप सबसे पहले जानना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर अगर सनसनी सबसे ज्यादा मचाई हुई है तो सीमा हैदर ने मचाई हुई है। सीमा हैदर का अपडेट बच्चे भी जानना चाहते हैं, युवा भी जानना चाहते हैं और इस देश के बुजुर्ग भी जानना चाहते हैं, क्योंकि सीमा हैदर देश में इस वक्त सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है। अब जो ताजा अपडेट है वो जानकर आप भी चौंक जाएंगे, मैं भी चौंक गई। खबर ये मिल रही है कि सीमा हैदर पांचवीं बार प्रेग्नेंट हैं और वो सचिन के बच्चे को जन्म देने वाली हैं। सचिन के बच्चे की वो माँ बनने वाली हैं, यानी कि सचिन पिता बनने वाले हैं। ये खबर जैसे ही सामने आई, इस खबर को लेकर अलग अलग तरीके से एंगल सामने आने लगे। हालांकि सोशल मीडिया पर लोग बहुत ज्यादा उल्टे सीधे कमेंट भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अरे चार बच्चे पहले से थे, पांचवा बच्चा भला करने की क्या जरूरत थी, या फिर इतनी जल्दबाजी क्या थी बच्चा पैदा करने के लिए। तो कुछ बातों पर हमें गौर करना चाहिए। सीमा हैदर की तरफ से वकील एपी सिंह उनका पक्ष रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत में आकर उन्होंने सचिन मीना के साथ पूरे रीति रिवाज के साथ शादी की है, अब वो भारत की दुल्हन बन गई हैं, इसलिए भारत की नागरिकता उन्हें मिलनी चाहिए। राष्ट्रपति के पास याचिका भी भेज दी, जिसमें कि लैला मजनू, शिरीन फरहाद और रोमियो जूलियट, इन सब के एग्जाम्पल दिए जाने लगे। ये भी कहा सीमा हैदर की तरफ से दी गई याचिका में कि आलिया भट्ट और अक्षय कुमार जैसे जो लोग हैं, बड़े स्टार्स हैं, इसलिए उन्हें भारत में रहने के लिए नागरिकता मिली हुई है, जबकि उनके पास विदेशी नागरिकता भी है। तो सीमा हैदर कह रही है, भला मुझे नागरिकता क्यों नहीं मिल सकती, मैं अपने प्यार के लिए अपना मुल्क अपना पाकिस्तान छोड़कर आई हूं और यहीं सचिन मीणा के साथ रहूंगी। वो कह रही है अगर वापस भेजा गया तो मेरी अर्थी ही जाएगी, मैं यहां से वापस नहीं जाने वाली। अब आप सोच रहे होंगे प्रेग्नेंट भला इतनी जल्दी, या फिर किस सिचुएशन में सीमा हैदर प्रेग्नेंट हो गई। तो आप जान लीजिए कि 2014 में गुलाम हैदर से शादी हुई थी सीमा हैदर की और चार बच्चे गुलाम हैदर से सीमा हैदर को हैं। और 2019 में सीमा हैदर का जो पति है गुलाम हैदर, वो कमाने के लिए सऊदी अरब चला गया और 2019 से सीमा हैदर अकेली थी चार बच्चों के साथ में। 2019 में उसने पबजी खेलना शुरू किया और वहां उसकी दोस्ती हो गई सचिन मीणा के साथ और ये दोस्ती अभी तक भी बरकरार रही, यानी कि दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई। दोनों एक दूसरे के प्यार में दीवाने हो गए, दीवानगी इस हद तक हो गई कि नेपाल में जाकर दोनों ने मुलाकात की। मार्च के महीने की मैं बात बता रही हूँ, मार्च 2023 में जब सीमा हैदर और सचिन मीणा ने नेपाल में जाकर मुलाकात की। एक हफ्ते तक सीमा हैदर वहां रही थी, होटल में कमरा लिया था और वहीं नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में दोनों ने शादी कर ली थी, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। हालांकि बाद में कहा गया कि नहीं नहीं पशुपति नाथ मंदिर में नहीं, ये तो अलग जगह शादी हुई है, या फिर कोई कहने लगा होटल के कमरे में से सिंदूर लगाने से शादी नहीं होती। एक डाउट ये भी होता है कि जब नेपाल घूमने आई थी तब बच्चे साथ में नहीं थे, लेकिन जो शादी की फोटोग्राफ्स हैं उनमें बच्चे भी नजर आ रहे हैं, तो विरोधाभास यहाँ सीमा हैदर की बात में नजर आता है। हो सकता है बाद में शादी की हो, जिसकी तस्वीरें भी सीमा हैदर की तरफ से जारी की गई। अब मार्च में जब एक हफ्ता दोनों एक साथ में रहे थे, दावा ये किया जा रहा है कि उसी वक्त पर सीमा हैदर प्रेग्नेंट हो गई थी और जब वो पाकिस्तान लौट आई दोनों के बीच में बातचीत होती रही और हो सकता है कि सीमा हैदर ने सचिन मीणा को ये बताया हो कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली हो। उसके बाद इतना बड़ा स्टेप लिया गया कि सीमा हैदर अपने चार बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते होते हुए फिर हिंदुस्तान आ गई। हिंदुस्तान आई तो अलग तरह की मुश्किलों में ये लोग घिर गए। ये लोग जब हिंदुस्तान आ गए थे तो वहां सीमा हैदर के कुछ भारतीय डॉक्यूमेंट्स बनने थे। 1 जुलाई को ये अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए एक शख्स से मिले जो कि ये सब डॉक्यूमेंट्स बनवाता है और तब सीमा हैदर के पाकिस्तानी होने की जानकारी दी गई थी। जब ये जानकारी दी गई उसके बाद उसी शख्स ने पुलिस को जानकारी दी और 4 जुलाई को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि 4 जुलाई की गिरफ्तारी के बाद 8 जुलाई को इन्हें बाहर छोड़ भी दिया गया, 7 जुलाई को जमानत मिल गई थी और तब से लेकर अब तक ये केस अलग अलग मोड़ ले रहा है और सीमा हैदर, सचिन मीणा, इनकी कोशिश है, इनफैक्ट परिवार भी अब सहमत हो गया है। सचिन मीणा के पिता हैं, माता हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं सीमा हैदर को यहीं रहना चाहिए। एक बड़ी वजह ये भी निकलकर सामने आ रही है कि सीमा हैदर अपना घर बेचकर वहां से आई थी, लाखों रुपए लेकर आई थी। जो आस पड़ोस के लोग हैं वो ये चर्चा कर रहे हैं कि कर्ज में दबे हुए थे सचिन मीणा और उसका परिवार, तो बड़ा कैश लेकर आई है सीमा हैदर और उस कैश से परिवार की बड़ी मदद हो गई है, इसलिए भी सीमा हैदर का सपोर्ट कर रहे हैं। ये सब कुछ क्या आपको कॉन्स्पिरेसी लगती है कि पैसे लेकर आना, परिवार जो कि पहले से कर्ज में डूबा हुआ है उस तक आर्थिक मदद पहुंचा देना ताकि परिवार वाले भी राजी हो जाएं। सचिन पहले से प्यार में डूबा हुआ था, सीमा हैदर अच्छी खासी खूबसूरत दिखती है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई बयान आपको दिख जाएंगे जिसमें कि सचिन मीणा के लुक को लेकर भी अलग अलग बयान दिए गए हैं और वो कह रहे हैं कि भला सीमा सचिन के प्यार में कैसे हिंदुस्तान आ सकती है। अब ये बाकी कॉन्स्पिरेसी है
क्या कोई पाकिस्तानी जासूस के तौर पर सीमा हैदर आई है या फिर ये वाकई प्यार की ताकत है जो उसे हिंदुस्तान खींच लाई है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मार्च के महीने में प्रेग्नेंट होकर अब करीब 5 महीने की प्रेग्नेंसी सीमा हैदर की हो गई होगी अगर इस तरह का दावा किया जा रहा है। और दावा ये भी है कि सचिन सीमा हैदर को पिछले दिनों मेडिकल चेकअप के लिए भी लेकर गया था और पिछले दिनों जब तबीयत खराब हुई थी एग्जर्शन की वजह से तब ग्लूकोज भी चढ़ रहा था, वो तस्वीरें भी हमने देखी थी। तो क्या वो वीकनेस भी प्रेगनेंसी की वजह से हो सकती है? बहुत से सवाल हैं, वक्त के साथ जवाब मिल जाएंगे। बाकी आपकी राय क्या है बताइएगा।